नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। क्या हम अपनी गाड़ी का कागज, अपने गाड़ी के पेपर्स डिजिटल फॉर्म में रख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं। और मैंने आपको बताया है दोस्तों कि एम परिवहन और डिजी लॉकर, तो आज मैं आप सभी को डिजी लॉकर में कैसे डॉक्यूमेंट सेव करके रखना है उसको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा। और ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस को किस तरीके से सेव करके रखना है, और किसी भी वाहन चेकिंग में, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे वो RTO हो, चाहे वो कोई भी अगर वाहन चेकिंग में है, तो आप रूटीन चेकिंग में उसको दिखा सकते हैं दोस्तों, और वो पूरी तरीके से मान्य है। ठीक है, तो ये वीडियो पूरा देखिए और आप स्वयं इसको ट्राई कीजिए और सेव कीजिए। सुरक्षित रहिए। डिजिटल फॉर्म, डिजिटल इंडिया, जय हिंद। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है कि गूगल प्ले स्टोर में जाके डिजी लॉकर को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद उसे ओपन करना है दोस्तों। ओपन करने के बाद हमें लैंग्वेज सेलेक्शन का ऑप्शन आएगा, उस पर हमको हिंदी या इंग्लिश, जो भी आपको सरल लगे, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से आपका डिजी लॉकर खुलता है दोस्तों। इस पर आपके ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। गेट स्टार्टेड में हम सीधे जाते हैं। साइन इन करना है दोस्तों इसको, और साइन इन करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो मोबाइल नंबर और एक आधार नंबर। तो हम इस पर दोनों तरीक़ों से इस पर साइन इन कर सकते हैं। OTP नंबर आता है दोस्तों, और उस OTP नंबर को जैसे ही हम करते हैं तो नेक्स्ट के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से हम, ध्यान दीजिएगा, आपके पास मोबाइल नंबर या आधार नंबर से आप कर सकते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, उस पर हमारे ऑप्शन इस तरीके से कुछ दिखाई देते हैं। तो हम सीधे, चूँकि हमको ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम है, तो हम ट्रांसपोर्ट में जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। तो हम ट्रांसपोर्ट पे क्लिक किया, हमने ऑप्शन इस तरीके दिखाई दिया। अब ट्रांसपोर्ट में हम किस स्टेट से हैं, मान के चलिए हरियाणा स्टेट की बात करें हम, तो हरियाणा स्टेट पे को हम क्लिक कर देते हैं। इसमें सभी राज्यों के हैं दोस्तों, सभी राज्यों के बारे में है, तो हरियाणा स्टेट को हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे ड्राइविंग लाइसेंस को, उसको उस पर सेव करना है दोस्तों। तो ड्राइविंग लाइसेंस को हमने सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। उस पर आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर लिखने का ऑप्शन आएगा, इसको फिल कर लेना है प्यारे साथियों। एक एक अंक का बहुत ध्यान देना है। और उसके बाद ये गेट डॉक्यूमेंट जो ऑप्शन है, इसमें ये सभी फॉर्मेलिटीज भर के गेट डॉक्यूमेंट में क्लिक करना है प्यारे साथियों। और इस तरीके से ये सेव हो जाता है। इसको हम देख भी सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस आपका फील हो चुका है। और जैसे ही उस पर हम क्लिक करते हैं, तो हमारा पूरा ड्राइविंग लाइसेंस एकदम हूबहू ओरिजिनल टाइप का इस पर शो होने लगता है। क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसी है, इसलिए हमने इसको छुपाया हुआ है प्यारे साथियों, तो आप समझ सकते हैं इस बात को। फिर से अब हम और क्या इस पर सेव करें, जैसे हम इंश्योरेंस की बात करेंगे दोस्तों। लगातार आप वीडियो पे बने रहिए। कुछ लोगों को इंश्योरेंस से प्रॉब्लम होती है, तो इंश्योरेंस में क्या करना है, हमें किस में जाना है, तो सबसे पहले हम इंश्योरेंस के लिए बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ये ऑप्शन देख सकते हैं आप, इस पर हम क्लिक करते हैं। और क्लिक करते हैं तो इसमें बहुत से अपने जितने भी कंपनी है, बीमा कंपनी है, उनके बारे में पूरा डिटेल दिया है कि जिस कंपनी से भी आपकी गाड़ी का बीमा है उसको क्लिक करना है प्यारे साथियों। और जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमें ऑप्शन आएगा। अभी देखिए ऑप्शन आ रहा है आपके पास, यहाँ की इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर कार, इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर टू व्हीलर, तो हमारी कार के लिए है, तो चलिए हम कार पे हमने क्लिक कर दिया है। उसके बाद उसकी डिटेल थोड़ी सी भरना है दोस्तों। इंश्योरेंस पे पॉलिसी नंबर भरना है हमको, अपना मोबाइल नंबर देना है जो उस पर है, गाड़ी पे है, और वो फिर वेरीफाइड हो जाएगा। और इसको भी हम गेट डॉक्यूमेंट में कर देना है। ठीक है दोस्तों, गेट डॉक्यूमेंट में ये भी ऐड हो जाएगा बहुत सिंपली तरीके से। पॉलिसी नंबर को ध्यान से भरिएगा दोस्तों, पॉलिसी नंबर, क्योंकि उसको भी पूरा डिटेल रहता है पॉलिसी का। मोबाइल नंबर भर देना है, और इस तरीके से ये भी डॉक्यूमेंट जाके सेव हो गया। और डायरेक्ट हम अपने होम पेज पे, जो डिजी लॉकर है उसके होम पेज से हम सीधे इंश्योरेंस पॉलिसी पे क्लिक करेंगे, तो पूरा का पूरी पॉलिसी जो है, ओरिजिनल पॉलिसी पूरी दिखाई दी जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, और ड्राइविंग लाइसेंस के बाद हमारा इंश्योरेंस भी हो गया,
तीसरी महत्वपूर्ण हमारा जो है वो आरसी है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन कार्ड जिसको कह दिए, तो आरसी को कैसे करेंगे दोस्तों? तो इस पे गए हमने व्हीकल रजिस्ट्रेशन करके किया या आरसी, तो उस पे आ जाएगा ऑप्शन आरसी का। उस पे दोस्तों हमें अपने गाड़ी का ये देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर है, गाड़ी का नंबर है, चेचिस नंबर है, इनको फिलअप करेंगे दोस्तों। रजिस्ट्रेशन नंबर कर दिया हमने, कभी कभी रजिस्ट्रेशन नंबर ही काफ़ी होता है, और कभी कभी अगर ले रहे हैं तो चेचिस नंबर, इंजन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपके आरसी में कार्ड में आसानी से रहता है दोस्तों। गेट डॉक्यूमेंट में जाके हमने क्लिक किया, ये भी जाकर वहीं पर सेव हो गया। ये आप देख सकते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस टाइप की जितने भी तो डिजिटल जो पूरे भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप डिजी लॉकर में सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस तरीके से आप एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म में आसानी से अपने गाड़ी के पेपर्स रख सकते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर उसको दिखा भी सकते हैं। कोई भी ट्रैफिक पुलिस कर्मी आपको कहीं रोकते हैं रूटीन चेकिंग में, अगर पुलिस द्वारा आपको रोका जाता है, तो जो है डिजी लॉकर पे आपने डॉक्यूमेंट्स रखे हैं उनको आप दिखा सकते हैं, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है इस संबंध में। डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल इन डिजी लॉकर फॉर इंडिविजुअल्स विल बी एक्सपैंडेड। एन एंटिटी डिजी लॉकर विल बी सेट अप फॉर द यूज बाय एमएसएमईज, लार्ज बिजनेसेस एंड आल्सो चैरिटेबल ट्रस्ट। उनको मानना ही पड़ेगा अगर रूटीन चेकिंग में है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद।